हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेनरिक टेकी में। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको वीडियो का कंटेंट शेयर करूँ, मैं पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि मुझे 30,000 से नीचे लैपटॉप लेना है, तो मैंने उसे एक लैपटॉप सजेस्ट किया एंड वो लैपटॉप उसने एक महीना यूज़ किया। एक महीने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया एंड कहा, यार ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो है, तूने मुझे एक सही रिकमेंडेशन नहीं दी। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा दुखी था। तो मैंने उसको कहा, यार लैपटॉप में ना SSD डलवा के देखते हैं, क्या लैपटॉप जो है वो अच्छी स्पीड पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा। तो मैं उसके घर गया, तो इससे पहले कि मैं SSD लाता, मैंने कुछ और दिमाग लगाया एंड मैंने कहा पहले ये चीज़ करके देखते हैं, ठीक है। ना तो मैंने SSD अपग्रेड करी, ना ही मैंने उसकी रैम को अपग्रेड करा, बट फिर भी उसका लैपटॉप इतना ज़्यादा फास्ट हुआ कि ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। एंड जब मैंने एक महीने के बाद उससे फिर से रिव्यू लिया और मैंने कहा कि तेरा लैपटॉप कैसा चल रहा है, उसने कहा अभी भी मेरा लैपटॉप बहुत सही चल रहा है। 4 GB रैम थी उसके लैपटॉप में, जो हम 8 GB करवाने का सोच रहे थे लेकिन हमने नहीं करवाई। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें मैंने उसके लैपटॉप में परफॉर्म करी जिसकी वजह से उसका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया एंड उसे ना तो रैम अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही SSD अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, वही चेकआउट करेंगे हम आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों, देखते हैं वो कौन से हैं 3 स्टेप्स जो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को 110% फास्ट करेंगे। सबसे पहले आपने विंडोज़ R को प्रेस करना है एंड यहाँ पे जब आपका रन खुलेगा, यहाँ पे आपने टाइप करना है TEMP टेम्प। जैसे ही आप टेम्प को प्रेस करेंगे, सबको कंट्रोल A करके शिफ्ट डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इससे आपकी जितनी भी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी डिलीट कर रखी है तो यहाँ पर ज़्यादा था नहीं, और जो नहीं डिलीट हो रहा उसको आप स्किप कर सकते हो विदाउट टेंशन के, ठीक है। फिर आपने सेम चीज़ दोबारा करनी है विंडो R एंड यहाँ पे अब लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। फिर से आपको एक टेम्प फोल्डर मिलेगा, कंट्रोल A एंड शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। शिफ्ट डिलीट करने के बाद ये फोल्डर भी आपका जो है टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। जो आपकी डिलीट नहीं होती आप उनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने सबसे लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सेटिंग्स में जाना है या आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो स्टार्टअप ऐप्स, ठीक है। स्टार्टअप ऐप्स में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपने उन सभी ऐप्स को डिसेबल कर देना है जो स्टार्टअप में ऑन हैं और आप नहीं चाहते वो स्टार्टअप में ऑन रहे। जैसे आपके केस में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो सकता है, एडोबे अपडेटर जैसे यहाँ पे है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ऑफ रखा है, स्काइप को ऑफ रखा है, स्पॉटिफाई को ऑफ रखा है, अपडेट गिटहब ऑफ रखा है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बूटअप के टाइम पे यहाँ पे ऑन पड़े हैं, यानी स्टार्टअप के टाइम पे एनेबल्ड हैं, उनको प्लीज़ आप डिसेबल कर दीजिए। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस एनहेंस इस स्टेप की वजह से होगी, बिकॉज आपका बूटअप फास्ट होगा एंड आपके लैपटॉप का हर एक क्लिक जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो आप इन 3 स्टेप्स को परफॉर्म कीजिए एंड देन देखिए आपके लैपटॉप परफॉर्मेंस में किस तरह से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको ये 3 ट्रिक्स जो हैं मे भी मेरी पुरानी किसी वीडियो में भी मिले होंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी फिर भी समझा, बिकॉज देयर आर पीपल जो 30,000 से नीचे लैपटॉप लेना चाहते हैं, उनके पास बजट नहीं होता कि वो रैम को एक्सपैंड करें या SSD डलवाएं। अगर बजट होता तो वो 30,000 से नीचे लैपटॉप तो पहले लेते ही नहीं। तो उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को देखें। सो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको रियल टाइम रिजल्ट्स देगी। एंड मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, अगर आप ये 3 स्टेप्स अपने लैपटॉप पर परफॉर्म करते हो तो उसकी स्पीड में अगर फ़र्क आता है तो आपको कमेंट करके बताना है एंड अप्रिशिएट करना है इस वीडियो को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।